राइड आ रही है महाराष्ट्र अंतरंग से आईना। आप डॉक्टर साहब वहां पे जो आपका मोबाइल है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, आवाज वापस आ रही है मेरी। बस बस बस। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुश्ताक राथिर साहब, ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर के डिवीजन के हेल्थ सर्विसेज जो है उसके डायरेक्टर हैं इस वक्त। इन्होंने काफी सारा काम किया है, जो एड्स है उसके बाद उसमें काम किया है, ड्रग्स और ड्रग्स अब्यूज जो हो रहा है कश्मीर में उसके बारे में बहुत काम किया है। आती है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ रिलेटेड। अभी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो वहाँ पे चले, वैक्सीनेशन ड्राइव में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और ये इंश्योर किया कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक वहाँ पे हो जाए, जो कोविड वैक्सीनेशन है। बहुत ही मेहनती और ट्रिमेंडसली ये काम करने वाले डॉक्टर हैं और आज ये इंचार्ज हैं, ये डायरेक्टर हैं सारे हेल्थ सर्विसेज के कश्मीर डिवीजन के। आज से हम, क्योंकि आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो हमारी मुहिम है, इंटरनेशनल मुहिम है, उसका डे है आज, तो आज इसी संबंध में इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत से पहले मैं इनकी एक फिल्म आपको दिखाऊंगा जो इन्होंने हमको भेजी है, उस फिल्म को आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ उसके बाद हम इनसे जुड़ जाएंगे। जो ड्रग एडिक्शन का टॉपिक है, इसमें आज हम पहले जो जिम्मेवारी है, जो घर की, ये तो घर की प्रॉब्लम है, ये घर से स्टार्ट होती है, तो हम भी स्टार्ट वहीं से करेंगे। एक माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है, जो ये बच्चा इसमें आता है उसके भाई बहन की क्या जिम्मेवारी है, उसके मोहल्ले वालों की क्या जिम्मेवारी है। पहले ये घर से ही स्टार्ट होता है और हमने भी घर से ही अगर इसका इलाज करना है तो पहले घर से ही स्टार्ट होना है। एक माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे, अपने बच्चों के लिए अगर वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस रखते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हीं की ये जिम्मेवारी है कि वो उन पे नजर रखें। क्योंकि आज देखिए ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हर कोई दौड़ रहा है दौलत के पीछे, हर कोई दौड़ रहा है पैसे के पीछे, लेकिन जिसके लिए ये पैसे कमाता है, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी बनाता है, वो बच्चा कहाँ जाता है वो देखे, वो तो ड्रग की तरफ जा रहा है। तो हमारा सारा ये जो भी कमाना है, जो भी प्रॉपर्टी है, सारी वेस्ट हो जाती है और इन एडिशन टू दैट ये बच्चे की जिंदगी भी वेस्ट हो जाती है। मेरा लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, अपने बच्चों को टाइम दे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन के जो दो तीन कारण होते हैं, दो तीन रीजन, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो ब्रोकन फैमिलीज होती है, जो घर वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं माँ बाप, उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये लग रहा है कि शायद ये बच्चा नहीं देख रहा है, शायद हमारी जो अनबन है, हमारी जो घर की परेशानी है, घर की लड़ाई है, शायद ये बच्चा नहीं देखता, वो पूरा देखता है, उसके जहन में ये रहता है, उसका जो प्रीमैच्योर ब्रेन है उसमें ये उसको पूरा ये घर करती है, घर की प्रॉब्लम, और वो लगातार इससे लड़ता रहता है और उसकी प्रोग्रेस में, उसकी स्टडीज में बड़ा इफेक्ट होता है और ऐसे बच्चे ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। इसलिए माँ बाप का ये फर्ज है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम करें और ज्यादा ध्यान अपने बच्चों पे दें। ये जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वहां, इसके एड्स और ड्रग्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो उस वक्त ये फिल्म इनकी शूट की गई थी और ये मैसेज शूट किया गया था। बहुत सारा काम किया है, आज अच्छा हम वेट करेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर मुश्ताक राथिर से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर है, जो कश्मीर डिवीजन है हेल्थ सर्विसेज उसके डायरेक्टर है। डॉक्टर साहब आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। डॉक्टर साहब
आपने जम्मू कश्मीर में पहले, और आप कश्मीर डिवीजन में आप डायरेक्टर हैं, पहले जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के, और आपने बहुत सारा काम किया है, और आप जमीन से जुड़े हुए आदमी है, और आप हर चीज को बहुत नजदीकी से जानते हैं। और जो ये मनुष्यात की जो प्रॉब्लम है, जो ये रोग है, जो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं, और इस चीज के कारण क्या है, और इसको कौन लोग ऐसे हैं जो इस जहर को समाज में बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, उनको मतलब कहाँ से मदद मिलती है, और किस तरीके से आप इसके साथ लड़ रहे हैं? आप काफी देर से इसके साथ लड़ रहे हैं। जी जी जी, पहले मैं आपको ये बोलूं, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हमें बुलाया इस दिन पे आपके चैनल से, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और जो आप कह रहे थे जमीन से जुड़े हैं, एक राइटर जमीन से जुड़ा ही होता है, और वहीं से उसको मटेरियल मिलता है राइटिंग का भी और काम करने का। तो हमने जो आज का दिन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट, एक मिनट, थोड़ा सा आप अपने राइट को जाइएगा, आप थोड़ा ज्यादा लेफ्ट में है, क्योंकि मेरे को टू शॉट में प्रॉब्लम आ जाता है, ये देखिए थोड़ा, नहीं राइट राइट अपने आपके राइट को, आपके राइट, हाँ बस ये सेंटर में आ गए, बस जी जी, थैंक यू, हाँ बोलिए सर। हमारा आज का जो ये डे है 26th of June इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और इस साल का जो थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, और हमारा यही है कि जितना इसके बारे में बात करी जाए, जितना इसको बोला जाए, उतना उस पर काम किया जाए। जब हम, क्या आपको पता है कि कोई किसी घर में होगा, हालांकि कोई तबका नहीं बचा है, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर का बच्चा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, हालांकि ये थ्रू हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में ये है कि ये बढ़ने लगा है, बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने 120 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जो स्टार्ट एक प्रोग्राम नशा मुक्त भारत स्टार्ट किया था, उसमें आप देखिए 20 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हुआ और AFT बने जी, एंड एडिक्शन फैसिलिटी ट्रीटमेंट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने। अच्छी बात यह है कि हमारे कश्मीर में 8 बने, हालांकि पैंडेमिक होने के बावजूद भी जो नशा मुक्त भारत है, इस पे बड़ा जोर है गवर्नमेंट का कि ये जो बच्चे नशे में आ रहे हैं, इनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में सहूलियत रहे, हर एक जिले में रहे और सेंट्रल लेवल पे भी रहे। आज का जो थीम है इट इज मोर बेस्ड ऑन दिस, की आप ये बात छुपानी नहीं है, चाहे किसी भी फैमिली में हो, जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक किसी को ये समझ नहीं आएगा और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। देखिए जो यूथ है, यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन, हमारा नेशन का जो बैकबोन है वो यूथ है, हेल्दी यूथ मींस हेल्दी नेशन। तो हमें इनका जो पे ध्यान रखना है, इस पे काम करना है, और हर एक का देखिए 2019 में हमने एक ड्रग एडिक्शन पॉलिसी बनाई, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल दलू जी ने इनॉग्रेट करी। ड्रग पॉलिसी में हमने क्या किया, पंजाब के बाद यहाँ एक ड्रग पॉलिसी बनी जिसको इवन पूरी वर्ल्ड में सराहा गया, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हमने उसमें पहले इसके वजूहात बताए थे, उसके बाद की कौन कौन डिपार्टमेंट किस मौके किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, कैसे वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो थोड़ा सा जो इसमें कमी आई काम करने में, वो तो कोविड की वजह से आपको पता है, अदरवाइज इसमें पूरा ये चेन थ्री टायर सिस्टम है, इसमें जैसे कि एक कड़ी है कि सप्लाई, जो ड्रग सप्लाई कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जो वो देखती है, फिर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन देखता है कि कैसे अर्ली इसको डायग्नोस करें, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट बेस्ट प्रोग्नोसिस, ये इसके थंब रूल है। उसके बाद आया रिहैबिलिटेशन में अदर डिपार्टमेंट्स इन एडिशन टू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर हो, कोई एनजीओ हो जो आते हैं और इन बच्चों को हम वहाँ
ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे आप प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक वाला काम हो गया, टेलरिंग हो गई, फैशन डिजाइनिंग हो गई, ताकि इनको जब एडिक्शन से छुटकारा मिले, इन्हें कोई रोजगार मिले और ये वापस इसमें ना जाए। इट्स वेरी इजी टू गो इनटू एडिक्शन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल टू कम आउट ऑफ दिस। तो अगर हम कोई बच्चा इसमें है, जाने में तो आसानी है, जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया भी कि घर वाले ये करें, या आज के जो ये लड़के अफेयर वगैरह उसमें जाके परेशानी में जाते हैं, या किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है वो चला जाता है। रीजन कोई भी हो, हमने इसको कैसे पकड़ना है, पहले ही पकड़ना है, उसके बाद ट्रीट करना है और फिर खत्म करना है। उसमें हमने जो ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो माँ बाप है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। एक स्कूल टीचर है, एक डॉक्टर है, हर एक का अलग अलग अपना रोल है, हम सबको एकजुट होके मिलके इसको इरेडिकेट करना है, खत्म करना है जी। बाकी जो गवर्नमेंट जी आमतौर पे देखा गया है कि देखा देखी में बच्चे जो है या किसी ऐसी कंपनी में पढ़ जी थोड़ा हम नहीं होगा देखा देखी में हो रहा होता है ये, या बच्चे जो है कंपनी में ऐसी पढ़ जाते हैं जहां पे ये एक फैशन के तौर पे इसको रूप, जैसे इलीट क्लास है या इवन कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, इनको यंग लड़कों को पकड़ते हैं और इनको इसमें डाल देते हैं। बहुत से लोग एजेंसीज इसमें काम करते हैं, जो पार्टीज होती है जो कि इनके आपस में मतलब फन पार्टीज होती है, और यहाँ तक कि हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत चर्चा हुआ इसका, और वो उन लोगों की देखा देखी में या किसी तरीके से ये इस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिससे कि ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। तो आप इनको फिर न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, वापस उनको नॉर्मल लाइफ में कैसे लाते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं? ये देखिए, जो कारण है, इसके कारण दो चार है, उसमें एक ये भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है ये कि बच्चा देखा देखी में या कोई उसका अपना कलीग मिला, उसके उसने बोला जी आओ जी ये करेंगे, हम नशा लेंगे, पहले पहले वो तो मुफ्त दे देता है उसको, फिर उसके बाद उसको लत पड़ जाती है। एक रीजन ये है, एक जो अभी मैं आपको कह रहा था अपने वीडियो में भी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी इनको परेशान करके इस चीज की तरफ ले जाते हैं। मेंटल इलनेसेस है जो इनको, वो कुछ MDP है, डिप्रेशन है, सीवियर एंजाइटी है, जो एक बच्चे को इसकी तरफ धकेलती है। कुछ भी हो, ट्रीटमेंट एक है जो अनेक, ये इसमें ये है कि पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, घर वाले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बहुत जरूरी है। आप देखिए, अगर आपका कहीं भी कोई पेरेंट है, का बच्चा भी है, अगर उसको नॉर्मल जो काम काज करता है, चाहे स्कूल जाता है, उसको भी लगे रेगुलरली जाता था अब नहीं जाता है, या ये टाइम पे सोता था अब नहीं सोता है, खाना खाता है अब नहीं खाता है, या दूर जाके कहीं बैठता है, या कहीं आइसोलेशन में जाके कुछ करता है, जो ही उसकी नॉर्मल एक्टिविटी में कोई डिविएशन लगे, तो ये दिमाग में आना चाहिए शायद बच्चा ड्रग की तरफ तो नहीं गया। उस पर पूरा इस पर ये करना है कि उसके जो दोस्त है, उसके जो फ्रेंड्स है, उसका जो स्कूल है, उसका जो टीचर है, उनसे बात करें, उनसे मिले, उनसे करें, कहीं ना कहीं आपको तो, क्योंकि बच्चा खुद बोलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको वापस वहां से फीडबैक आके, ताकि आपको अर्ली इसको पकड़ के और डायग्नोसिस करके डॉक्टर का मशवरा लेके इस बच्चे को हम बचा सकते हैं। इसमें वालदीन का जो है पहला फर्ज है, उसके बाद मौला कमेटीज। आप देखिए, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में एक मौला कमेटी होती है, मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी, बड़ी सारी कमेटियां होती हैं, उनका फर्ज है। अगर हमने इसको खत्म करना है, जहां से उठा है वहीं से हमने खत्म करना है, ये घर की बात है, घर से उठती है, मोहल्ले से उठती है, वहीं हमने इसको पकड़ना है और खत्म करना है। और मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी कमिटीज है उनके हेड्स से, उनके मेंबर्स से मेरी ये गुजारिश रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपने मोहल्ले का ध्यान, देखिए मोहल्ला कोई स्टेट तो देखनी नहीं है, कोई पूरी कंट्री तो देखनी नहीं है, कोई 10-20-40 हज़ार लोग तो नहीं देखने, एक छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, एक दूसरे को जानते रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, पूरा नजर रहता है,
और इस नजर में एक अच्छी नजर बढ़ाए, कोई बच्चा ऐसे इनमें से कहीं इस ड्रग की तरफ नहीं गया है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसके घर वालों को बोले, मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा ले। देखिए जैसे पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर पड़ोसी का घर जलेगा तो हमारा घर जलना ही जलना है, और वही मान के हमें चलना है। अगर पड़ोसी का बेटा आज ड्रग एडिक्शन में गया, नेगलेक्ट करो जी, बुरा है, ये वो है, लफंग है, ये लफंगे नहीं होते, बुरे नहीं होते, गलत नहीं होते, ये सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल लेवल इनका हाईएस्ट लेवल का किसी किसी का हमने देखा होता है, ये हमारा बच्चे नहीं होते, ये हमारे अपने बच्चे होते हैं, इन पे वही नजर की कारण की वजह से ये उसमें चले जाते हैं, इनको धत्कारना नहीं है। हालांकि जो आपको इससे पहले भी बोला कि हमने कोड रखा था एड्स कंट्रोल में, एडिक्शन इज अ डिजीज, एडिक्ट इज पेशेंट, लव हिम, हेल्प हिम, ट्रीट हिम, यही जज्बा हमारे दूसरे बच्चे के लिए भी रहना चाहिए, अपने बच्चे के भी लिए रहना चाहिए। इस जज्बे के साथ अगर हम मोहल्ले से ही ये करेंगे, आई एम 100% श्योर, इसको अगर बचाने का एक ही चाबी है, वो मोहल्ला कमेटी है, अपना घर है। उसके बाद जो आप गवर्नमेंट का देखोगे, जो गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, मैंने आपको अभी बोला कि 120 डिस्ट्रिक्ट्स में एक नशा मुक्त भारत के तहत हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी। हालांकि 120 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हो गए थे और ओनली 20 डिस्ट्रिक्ट ने ये बनाया, उनमें से आप देखिए हम लकी है कि हमने 8 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके वहां ये फैसिलिटी बना दी। गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट अपनी लेवल पे हर कोई चीज करती है, चाहे वो ड्रग ये ना चेन सप्लाई हो, जो ये पेडलर्स होते हैं उनको पकड़ना है, दकड़ना है, चाहे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, हर चीज में गवर्नमेंट आगे आगे है। लेकिन ये लोगों का जब ताउन आए, लोगों का जब साथ मिले, तो मुझे लगता है देन एंड ओनली देन वी कैन इरेडिकेट। हमने आमतौर पे देखा है कि बुरा मान जाते हैं, अगर मैं एक पड़ोसी हूँ, आपने पड़ोसियों की बात की, आपने मोहल्लेदारी की बात की, अगर मैं एक पड़ोसी हूँ और मैं किसी के बच्चे को, अगर मैं उसको गलत कंपनी में देखता हूँ और उसके घर वालों को बताता हूँ, लेकिन उसके घर वाले बहुत बुरा मानते हैं, और ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से लोग जो है, आजकल की दुनिया में लोग किसी को ये बात कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कहीं उनको गलत रीड ना किया जाए। तो इसको इसको खुल के कैसे आदमी सामने आए, बहुत बड़ी अड़चन है आजकल के समाज में, बहुत, और वही बहुत जरूरी है जी। जो अड़चन होती है तो वहीं से काम स्टार्ट होता है, है ना, पहले जो डिफिकल्टी होती है तो वहीं से काम स्टार्ट होता है, तो हमने पहले उसी पे काम करना है। जो इस साल का थीम भी है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स, यू हैव टू सेव अ लाइफ, आपने एक जिंदगी बचानी है, तो इसमें हार्डशिप्स आ सकती है, इसमें परेशानियां आ सकती है, आपके जरिए आप प्रोग्राम्स तो करते रहते हैं, मेरा एक आपसे भी एक रिक्वेस्ट आएगा कि अगर हर आपका प्रोग्राम, आप तो बड़े सारे लोगों के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, एक ऐड आना ही आना चाहिए था कि ड्रग एडिक्शन पे वो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। हाँ, डेफिनेटली श्योर, अगर आपका रोज कोई नया मेहमान आता है, आपका नया कोई गेस्ट आता है, पहले एक एडिक्शन के बारे में, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एडिक्शन, ठीक, ऐसा कोई ये करे, वो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। एक डॉक्टर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हर एक को करना है। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि ये हमने देखिए पहले क्या था, HIV एड्स के बारे में इंडिया में कहते थे अफ्रीका की डिजीज है, अमेरिका की डिजीज है, घर घर पहुंचने लगी थी, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। जब तक हम ये एक्सेप्ट ना करें, हाँ हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में एक पेशेंट है, ही इज अ पेशेंट, ये ब्रेन समझे दिमाग का पेशेंट है, ये एक बीमार है, हमें पहले ये एक्सेप्ट करना है, और इसके लिए आप हमसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, आप लोगों को बोल के उनको मोटिवेट करके। हालांकि एक्सपर्ट हर जगह यही कह रहे हैं, टॉक अबाउट ड्रग, जितना आप ज्यादा बात करोगे, हाँ कोई बच्चा है, हमें वो टैक्टफुली इनको मोटिवेट करना है, हमारे PSC पे काउंसलर्स भी होती है, लेकिन लोगों में एक ये चेंज लाना बहुत जरूरी है।
आज हम नहीं बोलेंगे कल हम नहीं बचाएंगे, आज हमने नहीं बोला कल हम नहीं बचाएंगे। और जो ये यूथ जा रहा है, जो हमारा बडिंग, जो ये हमारे यंग बॉयज, इवन कुछ फीसदी गर्ल्स के बहुत कम है, लेकिन है जो इसमें जा रहा है, हमारा नेशन खत्म होता जा रहा है। हमने आज कल परसों ये तो करना ही करना है, यही रिक्वेस्ट रहेगा, यही गुजारिश रहेगी। चलिए अगर आप ओपनली, हमने थोड़ी लाउड स्पीकर पे थोड़ी बोलना है, हमने कोई टीवी चैनल पे थोड़ी बोलना है, हमने कम से कम इतना करना है, अपना रिलेटिव है, अपना भाई है, अपना कोई है, दोस्त है जो किसी डॉक्टर को जानता है, ताकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए, उतना तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक ये भी, मतलब क्योंकि हम इसको बहुत माइन्यूटली जब देखते हैं, तो एक ये भी देखा गया है, बहुत बड़ा रीजन जो है, जो कॉलेजेस हैं, जो जहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ ताक में रहते हैं लोग, ये जो टेटलर्स होते हैं वहाँ पे ताक में होते हैं, और उन लोगों ने अपने एजेंट जो है स्टूडेंट्स के तौर पे कॉलेज में लगाए रखे होते हैं, जो कि जो वो बैश पार्टीज होती है, और अगर उसमें कोई, मेरा एक अनुभव बता रहा हूँ, अगर उसमें कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है तो उसको जो है आउटकास्ट किया जाता है, उसको रिडिक्यूल किया जाता है, उसको बहुत तरीके से सताया जाता है। तो ये कुछ कॉलेज में, नहीं कहता हूँ कि हर जगह है, लेकिन कुछ कॉलेज में या किसी जगह पे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर, तो यहाँ जो रोल आता है, जैसे कि मोहन शाह जी भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहाँ जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे जवान, जहाँ पे नौजवान हमारे पढ़ाई के लिए जाते, वहाँ के जो करता रहता है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो फर्ज बनता, उन पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ताइद होती है कि वो जो है वो इसको वॉच करे, हाँ, इन चीजों को देखे। जी जी, देखिए हमने क्या किया यहाँ जेके यूटी में, आपको पहले भी मैंने बोला, हमने हर एक कॉलेज से दो टीचर, प्रोफेसर, दो हेड बॉयज, या एक हेड गर्ल और एक हेड बॉय, या दो हेड गर्ल, हमने इनको लिया, चार दिन की बाजाबता ट्रेनिंग दी इनको, अपने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो हमारा जम्मू में है वहां भी हमने ट्रेनिंग कराई इनकी, हमने इनकी ट्रेनिंग कराई अपने जीएमसी श्रीनगर में भी। उस ट्रेनिंग में पहले देखिए, हर कोई ड्रग एडिक्शन में काम करना चाहता है, हर किसी को लगता है ये प्रॉब्लम है, एक बच्चा है, ये हमारा अपना बच्चा है, कुछ ना कुछ करें, पुलिस अपनी तरफ से, एनजीओ अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, लेकिन जो ये डायरेक्शन लेस है, किसी को लगता है कि इसको मार पकड़ पकड़ के मारूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, किसी और को और कोई ट्रीटमेंट लगता है, किसी को लगता है कि रिलीजियस लीडर के पास लूंगा, इसीलिए एक पॉलिसी आ गई और उसमें वाजे किया गया कि किसका क्या रोल है, हमने यूनिडायरेक्शनल रहना है तभी तो हम आगे जाएंगे उसमें, वो भी बहुत जरूरी। और हमने क्लियर जो, जैसे इनको हमने ट्रेनिंग कराई, हमारा यही मतलब था, क्योंकि आप देखिए कॉलेजेस, हायर सेकेंडरीज एंड स्कूल, यूथ तो वहीं होता है और हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन वो तो वही है, हमने इनको ट्रेन किया, उधर हमारे क्लब्स बने, उधर हमने काउंसलर्स रखे, ताकि जैसे आपको पता है कि ये जो HIV एड्स का रेड रिबन क्लब्स होते हैं, हमने वहाँ भी एक अलग क्लब बनाए, उनको टीचर और जो स्टूडेंट है उनको अपने साथ जुड़ा दिया हमने, ताकि वो मेडिकल सिस्टम के साथ साथ काम करें, और उनको पूरा हम ये सिखा रहे हैं आप कैसे नजर रखोगे, कैसे कोई बच्चा आइसोलेशन में जाएगा, या जैसे आपने राइटली कहा कि कोई वो पार्टियां मनाते हैं, देखिए जो फैलाने वाले हैं उनका काम अलग है, लेकिन घटाने वालों का भी काम अलग है। हमने इस पर नजर रखी हुई है, बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा इसमें कमी आ गई, बट कोविड खत्म होने वाला ही था, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला क्या हुआ जी, अभी तो हुआ ही नहीं, उसमें क्या हुआ, इसमें एडिक्शन कहाँ पहुंचा, मैंने कहा सर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये है, जो टीचर है चाहे वो हायर सेकेंडरी का हो, इवन हाई स्कूल का, हमने छोटे बच्चे भी देखे, 8 साल के बच्चे भी हमने देखे कि इसमें कभी आते इस लत में, तो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। और आप देखिए, माँ बाप की बात नहीं समझता, डॉक्टर की बात, और ये टीचर और ये जो स्टूडेंट का रिलेशन है, आपको भी अपना बच्चा याद आता होगा, हमें भी आता है, ये अलग बात है। टीचर ने बोला ये मानना ही मानना है जी, आपने बोला नहीं, उधर उधर करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का। मुझे लगता है डॉक्टर से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा एक उस्ताद, एक टीचर ज्यादा टाइम जो है बच्चे का वहां पे बीतता है, जो एक्टिव टाइम दिन का है वो तो इनके साथ ही होता है, सुबह 9 बजे गया, शाम 5 बजे आए, उसके बाद ट्यूशन और इन्हीं के पास जाना है, यानी कि मैक्सिमम आप जो जो
ये ना एक्टिव टाइम है, वो तो इन्हीं के साथ रहता है, और इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, नजर रखे, डिस्कस करे मौला कमिटीज से मिलके। अगर घर वालों को डायरेक्टली नहीं बोला बोल सकेंगे, वो जो जैसे कमिटीज का कंसेप्ट हमने दिया उनको बोले, और जो जो कोई बच्चा है टीचर की बात मानता है, उसके बाद आती है आपकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी, घर वालों की जिम्मेवारी, वो तो यही है, वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दिस। अभी मतलब ये तो तरीके हैं, अब हम इसकी जो कोई एडिक्ट अगर हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप, ये एक एक प्रोसेस है। अगर अगर कोई एडिक्ट हुआ, पहली ये जिम्मेदारी है कि घर वाले इमीडिएट जो डॉक्टर होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होगा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट दिमाग का जो इस एडिक्शन का इलाज करते हैं वो वहाँ है, तो वहाँ जाके उनसे सलाह मशवरा करें। वो इसके दो तीन टाइप्स होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, फिर जैसे हमने आपको कहा कि ओएसटी देते हैं, ओपॉइंट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जो आईवी ड्रग यूजर है उसको कैसे आईवी से उठा के, क्योंकि आईवी के अपने नुकसान हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस, ये एड्स वगैरह उससे होता है, हम चाहते हैं पहले ही उससे बच जाए, आईवी से उठा के मोटिवेट करके जो हमारे काउंसलर्स हैं इन पे काम करके उठा के फिर ओरल ट्रीटमेंट पे रखते हैं इनको। क्या है वो, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ओपॉइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। उसमें क्या है कि टैबलेट लेता है बच्चा तो ये फिट रहता है, हमारी निगरानी में लेता है, अदरवाइज घर लेगा ये करनी। उसके बाद क्या होता है तो आहिस्ता आहिस्ता, इसमें बड़ा टाइम लगता है, एक दो साल लगते हैं, एक माँ बाप को पूरा इस बच्चे को सपोर्ट देना है, ये कोई आसान ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको बराबर एक डेढ़ साल तक हम ये आहिस्ता 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 ये जो दवाई टेपर करते हैं, डोज कम करते हैं, फिर ही जाके इसको ये छुटकारा मिलता है इस ड्रग से। उसके बाद अगर कभी लगे, क्योंकि इनमें कभी ये भी होता है एकदम अब्रप्टली वी कैन नॉट स्टॉप दिस, इसमें विड्रावल्स होते हैं, अगर हमने बिल्कुल इसको बंद किया, लेने नहीं दिया, उसके अपने तरीके हैं, वो डॉक्टर को पता है, टेक्निकल लोगों को पता है, पुलिस को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, मोहल्ले वालों को नहीं, और नहीं नहीं इसको मत दो ले लो, वो उससे भी मर सकता है, क्योंकि जो विड्रावल्स उसको आएंगे वो बाजार का जो हमारी ट्रीटमेंट में होगा, आहिस्ता 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 करके वो इससे बाहर आ सकता है। अब्रप्टली अगर हम कोशिश करेंगे, उसको कन्वल्शन हो सकती है, उसको क्रैम्प्स हो सकते हैं, उसको कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका आना और उसको लाना जरूरी है। हमको पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम मानेंगे तो एक नंबर एक चीज ये है कि हमको बच्चे को बचाना है, अपने बच्चों पर निगरानी रखनी है, उन पर नजर रखनी है कि वो कहीं गलत उनका माहौल तो नहीं है, और वो हमको ये पता चलना चाहिए कि उनकी जो कंपनी है, उनका जो उठना बैठना है, जो घर में है वो कैसा है, कि वो नॉर्मल है या कुछ में कुछ अबनॉर्मलिटी आई है, तो वो ऑब्जर्व करके हमको उसको फॉलो करना है कि ये क्या बात हुई है, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ड्रग्स। दूसरा आपने ये बताया कि अगर आप के बच्चे में कोई ऐसा सिम्टम आ गया है तो उस वक्त उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या है। उससे पहले ये भी आपने बताया कि जो मोहल्लेदारी है उसको, मोहल्ले का ख्याल रखना है कि हमारे मोहल्ले के बच्चे ठीक ठाक है, कहीं गलत कंपनी में नहीं है, सब बच्चों को ध्यान से रखना है, सब बच्चों की जिम्मेवारी अपने बच्चे के बारे में समझना जी बहुत जरूरी कड़ी है। उसके बाद तीसरी बात जो आपने तीसरी बात जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बताई कि वो बताया कि मतलब किस तरीके से जो मनशियात के पेडलर्स है, जो वो चीज है, उनके साथ गवर्नमेंट कैसे निपट रही है, और वो गवर्नमेंट अपने स्तर पे वहां पे काम कर रही है, उनको वो जितना भी हो सके उसको ये इधर चलाने में, इनको कामयाब नहीं होने में वो पूरा जोर लगा के उनको यहाँ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जी। तीसरा जो इसमें जो नारकोटिक एक्ट में जी, चौथा आपने बताया कि जो डॉक्टर का रोल है जी, नारकोटिक एक्ट की बात कर रहे थे जी, जी डॉक्टर साहब जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए बड़ा कानून बनाया गया है, ये उस गंजे में उनको पकड़ा जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता, फिर भी आप देखिए हर एक सिस्टम में अपनी ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कभी छूट भी जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको ये मोहल्ला कमेटी की, क्यों मैं रिपीटेडली और सिट्रस दे के बात करता हूँ,
ये हो गया मेरा दर्द मेरे हवाले और मेरी दवा भी मेरे हवाले, ये वैसी बात है। इस पर इसलिए मैं स्टेटस दे रहा हूँ कि ये अर्ली 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 अगर हमें कैच करना है तो वहां ही होगा, और अर्ली कोई इससे इंकलाब आ सकता है, इससे एक और ये इरेडिकेशन में एक, एक, जी एक और फिल्म है आपकी जो थोड़ा सा उसमें भी संदेश है। आज हम एक बहुत ही जरूरी बहुत ही हसास एक टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो एक सीरीज बनेगी। इस सीरीज में हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा जो इस पर रोशनी डालेगा। ये एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है, ये घर घर की कहानी है। इससे कितने छोटे हमारे बच्चे यंग नौजवान यूथ हमारा इस लत में जो जो आजकल जा रहा है, इससे बड़े घरों में प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी जो माए हैं उनके उन्होंने अपने बेटे खोए, और हर एक अब ये इतना फैल गया है, इतनी परेशानी है इसकी कि ये घर घर की कहानी बन गई है। कितने जवान जवान बच्चे इससे मरे हैं, और हर एक घर की परेशानी है, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे ये लाइफ लॉस हो। तो ये इसलिए हमने ये समझा कि ये बहुत ही जरूरी है कि लोगों तक ये बात पहुंचानी, क्योंकि अगर इसमें प्रिवेंशन लिया जाए तो ये बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो सकता है। ये जो मैं टॉपिक कह रहा हूँ ये ड्रग एडिक्शन का है, ड्रग एडिक्शन का है कि आजकल की युवा पीढ़ी आजकल के यूथ जो ड्रग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इससे हमारा समाज खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन। एक नेशन की अगर पहचान है, एक नेशन की अगर प्रोग्रेस है, वो एक जवान है, वो एक यूथ है। और मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो आज हमने टॉपिक छेड़ा है इसमें सीरीज चलती आएगी, और इस सीरीज में हम डिफरेंट लोगों का किसका क्या रोल है, घर वाले वो क्या कर सकते हैं, मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं, स्कूल का टीचर क्या कर सकता है, एक डॉक्टर क्या कर सकता है, एक वकील का क्या रोल है, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, ऐसे नारकोटिक्स का क्या रोल है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या रोल है, एनजीओज का क्या रोल है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस का क्या रोल है, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स का क्या रोल है। हर एक को अपना अपना रोल जब हम इसमें निभाएंगे, अपनी जिम्मेवारी जब हम निभाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस वबा को इरेडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन आज जो वक्त की जरूरत है इस पर सोचना है, आज नहीं सोचा तो कभी नहीं, आज नहीं सोचा तो ये खत्म कभी नहीं होगा, बढ़ता जा रहा है जंगल की आग की तरह। हमने रोका तो रुक जाएगा, नहीं रोका तो सारा विश्व जलेगा इससे। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, खूबसूरत बात कही है कि इसको आज नहीं रोका तो सारा विश्व जल जाएगा इससे। इसका मतलब सीधा संबंध बहुत हद तक जो जो दिमागी खराबी है एक तरीके की, नहीं कई तरीके की होती है, तो मेरे ख्याल में इसके बाद लोग बहुत से बुरे कामों में फंस जाते हैं, और वो अबला बुरा उनके दिमाग से खत्म हो जाता है, और वो एक बिगड़ी हुई तस्वीर बन जाते हैं समाज की। इसलिए हमारे लिए बहुत आपका टाइम बहुत जरूरी है, आप घड़ी देख रहे हैं, आप मुझे पता है आपको और जगहों पे पहुंचना है, हमारा तो बच्चे भी बहुत जरूरी है, और इन्हीं से हम देखिए हमारा यूथ है तो हमें ये बच्चे हमारे लिए जरूरी है। मेरा यही पैगाम रहेगा, हर एक से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम सब जुड़ जाए इसमें, और आज के दिन ये शपथ ले ले कि एक स्टेप अगर कुछ नहीं आज के दिन कुछ ना कुछ करें, और इसे रोकने की कोशिश करें, चाहे बातचीत से करें, चाहे किसी के घर जाके करें, चाहे किसी मोहल्ले मजलिस में करें, चाहे किसी पार्टी में करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। एक स्टेप आज स्टार्ट करेंगे तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ ना कुछ आज के दिन 26 जो ये ड्रग डी एडिक्शन डे मनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ हम करें। और मेरा ये बहुत ही मतलब मैं क्लियर अल्फाज में बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्लासों के पीछे दौड़ेंगे तो बच्चे हाथ से जाएंगे, बच्चे हाथ से गए तो सारी दुनिया हाथ से गई। मीना कोल हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी कहते हैं पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए, बहुत जरूरी हर हर बात के लिए पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए, वो कहीं किसी और किसी आतंकवाद की तरफ तो नहीं जा रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट को नहीं जा रहा है, किसी गलत इसमें नहीं, कोई भी सामाजिक बुराई हो उसमें तो नहीं जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी जो है सबसे बड़ी पेरेंट्स की है। और एक जो हमारी हमारी बदकिस्मती मैं कहूंगा, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अंकल नजर रखता था, आपका चाचा नजर रखता था, वो नजर रखता था, ताई नजर रखती थी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सारे लोग
एक को कोई किसी ना किसी की नजर होती थी कि अब तो अलग होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर मौलेदारी जा रही है, मौलेदारी थी, बच्चा मोहल्ले का होता था, पूरे मोहल्ले का होता था, पूरे गांव का होता था, पूरे गांव उसका ख्याल रखता था, वही मोहल्लेदारी, गांव पूरे गांव उसका ख्याल रखता था। जी, आपके हमारे साथ जुड़े हैं आज जो ये लोग जुड़े हैं उनमें से बीना कौल जी हैं, कार्तिकेयन कैप्टन हैं और गाशा जी हैं हिमाचल प्रदेश से, भरत काजरू जी है और मोहन शाह जी हैं, रवि काजरू जी हैं और ये लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इन्होंने मतलब फटाफट, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट नोट्स पर आज ये प्रोग्राम किया है और ये तो लेकिन ये पहुंच जाएगा आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंच जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम और प्रोग्राम आपके साथ, हम जानते हैं आप बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, आप बहुत अच्छे अदीब हैं, बिल्कुल जरूर। मेरा जो वैक्सीनेशन हमारा प्रोसेस रहा तो जो ही मैंने ज्वाइन किया यहाँ बड़ी हेजिटेंसी थी, कोई आते नहीं थे, हमने वो जो डोर टू डोर कंसेप्ट दिया, डोर टू डोर गए हम, अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के उनके कंफर्ट जोन में आए, वही हर एक चीज के लिए जरूरी है और ये बिल्कुल सराहा गया। काम किया आपकी मेहनत का बहुत बड़ा ये नतीजा है कि हमारा कश्मीर वैक्सीनेशन में फर्स्ट आया है, मतलब सबसे आगे है वैक्सीनेशन में हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये आपकी मेहनत का ही तो नतीजा है, आप जैसे लोग आगे हैं, फ्रंट लाइन पे है, ये हम सबका है, पूरे डिपार्टमेंट का है। आप देखिए एवरीबॉडी वाज ऑन टूज, एक चपरासी से लेके एलजी साहब तक, कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लगे, सारे जुड़े और हर एक ने मेहनत करी और लोगों का भी मैं एक शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने एसओपीज का ख्याल रखा, वैक्सीनेशन में हमारा कॉपरेट किया, उसी तरह से जैसे ये अपने कंफर्ट जोन से निकल के लोगों तक पहुंचे तो वैक्सीनेशन में रिजल्ट्स अच्छे आए, और ये जो एडिक्शन का है इसमें भी हमने अपना काम थोड़ा सा साइड में रख के इन बच्चों की तरफ तवज्जो देना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, अगर कुछ ना, आज हम ये शपथ लेंगे 15 मिनट सिर्फ हम इसकी तरफ दे देंगे तो इंशाल्लाह इससे हमें नजात जरूर मिलेगा। जरूर, बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, और हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे और आपकी शायरी सुनेंगे और आपके जो जरूर जरूर कलेक्शन निकले हैं उनके उनकी चर्चा भी करेंगे और इसी के साथ इसी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अच्छा, थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ जुड़े आज शॉर्ट टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मुश्ताक राठर जो मटन कश्मीर से हैं और इस वक्त ये कश्मीर डिवीजन के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा वहाँ चलाया कश्मीर में और सारे जितना भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो मुबारकबाद के काबिल है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन जो है वो बहुत फर्स्ट रहा सारे देश में, आगे, सबसे आगे हमारा जम्मू कश्मीर प्रदेश। आप देख लीजिए जब से डॉक्टर मुश्ताक पॉजिटिवली सोचते हैं जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, ऐसे ही अगर हर कोई आदमी जम्मू कश्मीर में लोगों की भलाई के लिए सोचेगा तो हमारी कोई समस्या ही नहीं है, हम सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी भी अपने आप हो जाएगी, चालू हो जाएगी, सब कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप वापस आ जाएगा अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे, अगर हम लोगों के लिए यानी हर एक आदमी अगर कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए सोचेगा, एक दूसरे की भलाई के लिए सोचेंगे, हम वो सारे जिस तरीके से हम मंशियात से लड़ रहे हैं उसी तरीके से करप्शन से भी लड़े, उसी तरीके से गलत सियासत से भी लड़े, उसी तरीके से उन सारे अंसरों से लड़े जो जिन्होंने हमारे बहुत ही पैराडाइज कश्मीर का जो माहौल है वो खराब करके रखा है, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम पीसफुली रहें, हम हर एक आदमी से अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की कि वो भाईचारे से रहे, पॉजिटिवली रहे और
एक दूसरे की तरक्की के काम सोचे, उसके लिए सोचे, जितनी भी बीमारियां समाज में हैं उनसे लड़े, आपस में मत लड़े। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक बीमारियों से लड़े, हम आपस में नहीं लड़े और इकट्ठे रहे सब। इसी नोट पे मैं आपसे आज इजाजत लेता हूँ। अभी कुछ देर बाद हम 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे, और आज लेके आए हम रवि धार जी और सुनीता भानधर, ये दोनों ही बहुत ही नौजवान टैलेंट है म्यूजिक के, गायक हैं, और रविदार जी जो है बहुत ही अच्छी म्यूजिक कंपोजर है, सुनीता जी जो है बहुत अच्छी गायिका है। इनसे आपकी भेंट कराएंगे आज 7 बजे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, आदाब। एक जाते जाते हम एक आपको प्रोग्राम के स्पॉन्सर थे के प्रिमरोज़, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, आदाब।